शमशाबाद में अब विरोध शुरू हो गया है, तो शमशाबाद में सिविल कोर्ट को महानीम चौराहा पर बनाए जाने का विरोध होने लगा है। सामाजिक संगठन और व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा है और सड़क पर ही उन्होंने अपना विरोध जताया है। वहीं व्यापारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ पर चुनावी जो जुमले हैं उस पर बात सामने आई है। व्यापारियों ने कहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं, वोट पाने के लिए तमाम दलीलें पेश करते हैं, लेकिन जब जनता के हित की बात होती है तो वह गायब हो जाते हैं। व्यापारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर सिविल कोर्ट शमशाबाद में नहीं बना तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, शहर से बाहर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हम लोग सिविल कोर्ट बाहर जाने के लिए पहले से संघर्ष रहते हैं, अगर प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है तो हम लोग आज ये आंदोलन जो आप देख रहे हैं ये और भी उग्र रूप धारण करेगा और चक्का जाम से लगाकर हमें जितना भी उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी हम तैयार रहेंगे, लेकिन हम सिविल कोर्ट शहर में लाकर ही दम लेंगे। यदि चक्का जाम हुआ या कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? जवाबदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि सिविल कोर्ट शमशाबाद के लिए मंजूर हुआ था। सिविल कोर्ट दोगलेपन की तरीके से या राजनीतिक कारण से जो भी सिविल कोर्ट बाहर लेके गया है, मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ ये उस व्यक्ति ने अच्छा नहीं किया है। ये राजनीतिक कारण से गया हो या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के कारण से गया हो, लेकिन शमशाबाद के साथ ये सौतेला व्यवहार किया गया है, क्योंकि जो कोर्ट शमशाबाद के लिए मंजूर हुआ था उसे बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लोग अपना संघर्ष आखिरी सांस तक जारी रखेंगे, जब तक जारी रहेगा, जब तक कि कोर्ट नहीं आ जाएगा। हाँ, कोर्ट बाहर क्यों गया? कोर्ट राजनीतिक लोग अपने अपने स्वार्थों के लिए बाहर ले गए। शमशाबाद का पहले से भी आप देखा जाए तो यहाँ का शोषण ही होता आया है। शमशाबाद के लिए, विकास के लिए लोगों ने वो तड़फ यहाँ से आते हैं, वोट लेकर जीत के चले जाते हैं। 50 साल में शमशाबाद के लिए लोगों ने क्या किया, ये सोचने वाली बात। तो आपकी एक मांग तो है सिविल कोर्ट अंदर आना चाहिए, लेकिन 2 महीने पहले जब कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया था, सिंचाई विभाग की जगह को भी आवंटित कर दिया था, ऐसा 1 महीने में क्या हो गया जो बाहर ले जाना पड़ा? राजनीतिक कारण, बिल्कुल निश्चित ही है कि कोई ना कोई राजनीतिक कारण है। आज सांकेतिक रूप से शमशाबाद बंद का आह्वान किया है और व्यापारियों और नगर के प्रबुद्ध जनों से चर्चा करने के उपरांत सिविल कोर्ट के संबंध में जिन लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था करी है कि आदेश के बाद इस आदेश की संशोधन करने के जो प्रयास किया जा रहा है, और शमशाबाद के शहर के नागरिकों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ जो छलावा किया जा रहा है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किसी भी हद तक फिर प्रशासन ये नहीं बोले कि ये क्या हो रहा है, किसी भी हद तक शमशाबाद के नागरिक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक सिविल कोर्ट शहर में नहीं आ जाएगा, जब तक इस आंदोलन को अनवरत चलते रहना पड़ेगा। जगह चूंकि कलेक्टर साहब ने स्वयं आदेश पारित किया है और मेरी पूरी जानकारी के अनुसार माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्वयं इस जगह को चिन्हित किया था। इसके बाद कलेक्टर ने परिवर्तन करके जो पहले कंपोजिट भवन के लिए जो जगह दी गई थी उस जगह को सिविल कोर्ट के लिए प्रस्तावित माननीय न्यायाधीश महोदय ने की थी। इसके बाद इस जगह का नाम प्रस्तावित किया गया था। चूंकि आदेश होने के बाद इस प्रकार का जो लोग इस गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने के बाद शमशाबाद के नागरिकों के साथ छलावा कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्या रणनीति आप लोगों की? आगे की आंदोलन करेंगे और किसी भी हद तक, अब मेरे विषय को समझ लीजिए आप, किसी भी हद तक जाएंगे प्रशासन फिर नहीं समझे फिर क्या होने वाला, उग्र आंदोलन होगा। पहले शमशाबाद